आरजी करके इसमें आए दिन सीबीआई कोई ना कोई नई बात हम सबके सामने डिस्क्लोज कर रही है और जहां सुप्रीम कोर्ट के नेक्स्ट हियरिंग का बेसब्री से इंतजार हो रहा है वही कुछ ऐसी खबरों ने कंट्रोवर्सी मचा रखी है। इस केस में अभी तक कई ट्विस्ट और टर्न्स भी देखने को मिले हैं और सुप्रीम कोर्ट भी सीबीआई की फिफ्थ लेटेस्ट रिपोर्ट से काफी शॉक दिखी थी। जहां सीबीआई को 3 हफ्तों का टाइम मिला है एक नई रिपोर्ट पेश करने के लिए वही उन्होंने कुछ दिनों पहले दावा कर दिया था कि विक्टिम की डेथ एक प्री प्लान्ड मर्डर थी। ये बोलने की देरी थी कि लोगों में काफी हलचल देखने को मिल गई और जहां कुछ लोगों ने तो इस बात से पूरी हामी भी भरी है। अब सीबीआई ऑफिशियल ने ये दावा इसलिए भी किया है क्योंकि उनके हाथ ये सबूत लगा कि एक दिन पहले ही विक्टिम का नाम ड्यूटी रोस्टर लिस्ट में ऐड किया था जबकि ऐसा कभी नहीं हुआ है। अब ये डिटेल जो सुप्रीम कोर्ट बेंच को दी गई है वो नेक्स्ट हियरिंग में ही बता सकती है कि क्या आरजीकर हॉस्पिटल में अभी भी थ्रेट कल्चर चल रहा है या नहीं। और इसी मसले में एक फैसला कलकत्ता हाईकोर्ट ने लिया है जिसने कि डॉक्टर्स को ही उल्टा एक झटका दे दिया। क्या है वो फैसला और आखिर किस बात से वेस्ट बंगाल सीएम ममता बनर्जी बड़ी खुश दिखी है, चलिए देखते हैं। इसी के साथ एक नज़र विक्टिम के फादर के उस लेटर पर डाल लेते हैं जो कि उन्होंने अब यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह को लिखकर मामले को और संगीन कर दिया है। ऐसे आपको याद दिला दे कि एक लेटर विक्टिम के फादर ने सीजीआई डीवाई चंद्रचूड़ को भी लिखा था और कुछ ऐसे पॉइंट्स उठाए थे जिससे कि सीजीआई अग्री कर रहे थे और जिसके बाद उन्होंने ये लेटर सीबीआई को भी फॉरवर्ड कर दिया था। और अब इस लेटेस्ट लेटर में स्टेटेड है कि आफ्टर दैट हीनस अनफोर्सीन इंसिडेंट हैपेंड टू आवर डॉटर वी हैव बीन गोइंग थ्रू ट्रेमेंडस मेंटल प्रेशर एंड फीलिंग हेल्पलेस नाउ, और जिसकी वजह से ही उन्होंने अब अमित शाह से मिलने की रिक्वेस्ट की है। आसान शब्दों में कह सकते हैं कि पेरेंट्स को स्टेट गवर्नमेंट से कोई उम्मीद नहीं दिख रही है और उसी में लोगों को शॉक लगा जब डॉक्टर्स ने वेस्ट बंगाल सीएम बनर्जी से 2 घंटे के डिस्कशन के बाद अपने प्रोटेस्ट पर स्टॉप लगा दिया। इस बात से सीएम तो काफी खुश दिखी होंगी जो कि इन प्रोटेस्ट को रोकने के पीछे कब से लगी हुई थी। और जहां ये खुशी वेस्ट बंगाल सीएम बनर्जी के हाथ लगी है वही उन्होंने एक सवाल आरजीकर मेडिकल कॉलेज में हुए सस्पेंशन पर भी उठा दिया। असल में कुछ दिनों पहले आरजीकर मेडिकल कॉलेज में रेसिडेंट डॉक्टर्स की एसोसिएशन ने करीबन 60 लोगों को सस्पेंड कर दिया था जिन पर कॉलेज में एक थ्रेट कल्चर क्रिएट करने का इल्जाम लगा था। लेकिन वेस्ट बंगाल सीएम ने सवाल उठाया कि भला एसोसिएशन को इतनी पावर कहां से मिल गई कि वे एक स्टेट रन हॉस्पिटल में सस्पेंशन ऑर्डर्स पास कर रहे। यही मुद्दा कलकत्ता हाईकोर्ट जा पहुंचा था और जहां एसोसिएशन को झटका मिला जब उनके ऑर्डर को चैलेंज करते हुए सस्पेंडेड डॉक्टर्स की ओर से लॉयर अर्क प्रवास सेन ने कह दिया कि द सस्पेंशन एंड एक्सपल्शन ऑर्डर्स वर इन कंप्लीट वायलेशन ऑफ नेचुरल जस्टिस। मामले में ट्विस्ट आ गया जब कलकत्ता हाईकोर्ट की सिंगल बेंच ऑफ जस्टिस कौशिक चंदा ने भी इस बात से अग्री कर लिया। इस मामले में कलोल बसु द एसोसिएशन लॉयर ने कहा भी कि द रेसिडेंट डॉक्टर्स एसोसिएशन ऑफ आरजीकर मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल वांटेड टू बी अ पार्टी इन दिस केस, दिस वाज नॉट अलाउड सिंस दिस एसोसिएशन इज नॉट अ रजिस्टर्ड बॉडी। और वही एडवोकेट सेन ने लोगों को गुड न्यूज देते हुए कहा कि द कोर्ट सेड ओनली द स्टेट गवर्नमेंट हैज द अथॉरिटी टू टेक अ डिसीजन इन दिस मैटर। अब जब ये फैसला स्टेट गवर्नमेंट के हाथ में आ गया है तो लोगों का अनुमान यही है कि इस सस्पेंशन को रद्द कर दिया जाएगा क्योंकि खुद वेस्ट बंगाल सीएम बनर्जी ने स्टेट किया था कि द स्टेट मस्ट प्रूव चार्जेस सच एज दीस, दोज फेसिंग एलिगेशंस आल्सो हैव द राइट टू स्पीक, दिस टू कैन बी कॉल्ड अ थ्रेट कल्चर। और कोर्ट ने कहा है कि इस मामले में स्टेट हेल्थ डिपार्टमेंट एक फैसला लेगी और कंसिडरिंग कि वेस्ट बंगाल सीएम खुद ही हेल्थ मिनिस्टर भी है तो देखते हैं कि ये फैसला किसके फेवर में जाता है। ऐसे कोर्ट के इस फैसले से डॉक्टर्स के ग्रुप्स में झगड़े बढ़ते दिख रहे हैं। सौरभ दास वन ऑफ द जूनियर डॉक्टर्स जिन्हें सस्पेंड किया गया था ये कहते हुए कि ये भी आरजीकर मेडिकल कॉलेज में थ्रेट कल्चर के पीछे हैं, ने इस मामले में ऐड किया कि द हॉस्पिटल अथॉरिटीज कैन नॉट सस्पेंड सो मेनी ऑफ अस इन दिस मैनर, ओनली अ हैंडफुल ऑफ जूनियर डॉक्टर्स आर गिल्टी ऑफ दीस चार्जेस, वी वर नॉट इवन हर्ड, देयर वाज नो प्रॉपर इंक्वायरी, वी वर रेडी टू जॉइन ड्यूटी बट अ सेक्शन ऑफ जूनियर डॉक्टर्स कंटिन्यूड द स्ट्राइक, वी आर रेडी टू फेस इवन अ जुडिशियल इंक्वायरी। और इसी बात का पलट जवाब देते हुए अशफुल्ला गयान ने भी क्लेम किया है कि किसी को फॉल्सली इम्प्लिकेट नहीं किया गया था। द हॉस्पिटल अथॉरिटीज प्रॉपर्टी रिव्यूड द चार्जेस एंड द एक्शन वाज टेकन फॉलोइंग गाइडलाइंस ऑफ द मेडिकल काउंसिल। इन्हीं सब के बीच में एक बात ये भी अब सामने आई है कि डॉक्टर्स ने वेस्ट बंगाल सीएम बनर्जी से मीटिंग के बाद प्रोटेस्ट को वापस नहीं लिया है। जी हाँ, आपने सही सुना, वेस्ट बंगाल जूनियर डॉक्टर्स फ्रंट डॉक्टर देव आशीष होल्डर रिवील्ड दैट द स्ट्राइक वॉज एक्चुअली कॉल्ड ऑफ आफ्टर मीटिंग द पेरेंट्स ऑफ द विक्टिम, और जिसके साथ उन्होंने बताया कि मीटिंग में भी स्टेट गवर्नमेंट का रवैया बिल्कुल भी अच्छा नहीं था और ना ही वे कोऑपरेटिव थे। ऑल्सो स्टेट गवर्नमेंट ने इन्हीं सब के साथ डॉक्टर्स को सिक्योरिटी प्रोवाइड करने के लिए एक टास्क फोर्स बनाया है जिसके बारे में होल्डर ने कहा, ऑल्दो अ टास्क फोर्स वॉज फॉर्म्ड देयर वॉज नो डायरेक्टिव और नोटिस रिगार्डिंग द सेम, द गवर्नमेंट डिड अग्री टू सेंड द डायरेक्टिव बाई October 22nd इवन दो आर रिप्रेजेंटेटिव आर अ पार्ट ऑफ द टास्क फोर्स, वी आर स्टिल कंसर्न अबाउट द एग्जिस्टिंग थ्रेट कल्चर। और चलिए एक नज़र डॉक्टर्स की सारी बातों पर डाल लेते हैं। तो जाएगा एक्ट
সাধারণ জনগণ আমাদের যে পাশে আছেন এবং এই যে নাগরিক আন্দোলন আমরা এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছি সেই প্রতিজ্ঞাকে আমরা রাখছি এবং আমাদের অভয়ের মা বাবা এবং সমাজের সমস্ত বিশিষ্টজন বিশিষ্ট নাগরিক যারা আমাদের বারবার এই রিকোয়েস্ট করেছেন সেই জায়গাটাকে সম্মান রেখে এবং আমাদের লড়াইকে আরো সামনের দিকে আরো তীব্রতর ভাবে এগিয়ে নেওয়া নিয়ে যাওয়ার অঙ্গীকার রেখে আমরণ অবসরের যে জায়গা সেই জায়গাটা আমরা প্রত্যাহার করছি। Today when we went in, we were very, very hopeful because we also have this have a common goal, or so that we thought, of ending this dreadlock system. For 41 days counting, we have been on the streets demanding for basic human rights, demanding for justice, demanding for threat culture to end in our own healthcare facilities. We also not only demanded our own healthcare facility to improve, but also for patient care to improve, for the citizens to benefit from this by having some transparency in the healthcare recruitment boards, and also transparency in the patient referral systems by having some fair means in those systems as well. We were told that we are, whatever points that we are making, they are very, very valid, and we were given assurances verbally. But when we asked for a minutes of meeting, we were told that we need to email them the whatever our needs are, and based on that they will later on verify those email, the pointers, and then maybe circle back to us with certain central directives. We are very hopeless, we right now feel very hopeless. We want to resume work, but with the threat culture still prevalent, with the perpetrators still going about in the society with aside us, with the patients still suffering because of a non-transparent referral system, we still question the system. We still are very, very not satisfied with what happened today. We were very hopeful when we walked in. We right now are in the same magnanimity, aggrieved, and we don't know how to address this. आज हम लोग आए थे यहाँ पे सदस्यता से मीटिंग करने के लिए, लेकिन कोई जब मीटिंग चल रही थी तब चीफ सेक्रेटरी ने सब चीज़ में राजी किया, लेकिन आफ्टर मीटिंग हम जब मिनट्स मांग रहे थे तो मिनट्स में कुछ ऐसा चीज़ उठ के आए जो हमारे डिमांड से उस पर ज़्यादा बात ही नहीं हुआ। हम अपने डिमांड्स में लिखे थे कि हम अपने साथ हमारे नर्स, हमारे हेल्थ केयर जो लोग भी है, और साथ में जो पेशेंट है, सबके लिए हम लोग ने लिखा था कि ताकि एक प्रॉपर रेफरल सेंटर खुले, एक प्रॉपर बेड लिस्ट निकले ताकि पेशेंट को इधर से उधर घूमना ना पड़े। लेकिन इसके बाद भी उन्होंने ये सब फोकस नहीं किया। जो चीज़ हमें सबसे ज़्यादा डर था, जो हमारे डिमांड 5 में थ्रेट कल्चर, उसके बारे में आज उन्होंने कुछ लिखने से मना किया है। उन्होंने बोला हमें डायरेक्टिव दीजिए, हमें मेल कीजिए, हम डायरेक्टिव देंगे। अगर मेल करके देना था तो हम लोग मेल करके आते, मीटिंग करने का कोई ये नहीं था। लेकिन ठीक है, मीटिंग की हम लोग ने, कोई विदाउट ट्रांसपेरेंसी का हम लोग बोले कि ठीक है, हम लोग ट्रस्ट करके मीटिंग भी किया आज, लेकिन जो हम लोग को चाहिए था वो हम लोग को रिटर्न में नहीं मिला। इन्हीं मामलों में आपकी क्या राय है, हमारे साथ जरूर शेयर करें। अंटिल देन, कीप फॉलोइंग लॉ चक्रा।